फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सर आपका वेब सीरीज आ गया है काला, जो कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं और अब कितना क्या कुछ फील हो रहा है? थैंक यू, रियली मीन्स अ लॉट। शो को रिलीज़ होके ऑलमोस्ट अभी 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्ते में इतना प्यार आ गया है, आई कांट बिलीव। हर दिन मुझे कम से कम 5 से 10 फ़ोन कॉल आते हैं अनेक जगहों से, दोस्तों से, फैमिली से, और फिर काम के भी तो कम से कम 2-3 कॉल आ ही रहे। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। विजय नाम्बियार को थैंक यू कहना चाहूँगा, तुषान भाई और मेरे शुभम कास्टिंग वालों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। कास्टिंग डायरेक्टर की वजह से हम कुछ नहीं हो सकते उनके बगैर। I would like to also thank the audience here for liking the show and liking my work. जैसे कि इसमें अविनाश तिवारी है, हितेन है, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या मजा मिला, क्या चैलेंजिंग रहा? एक ही शब्द बोलूँगा, मोहब्बत। आई लव देम, जितिन भाई, हितेन भाई एंड अविनाश, दे आर लाइक, बहुत कम समय में बहुत मोहब्बत है हमारे बीच। जैसे कि आपको पहले भी बहुत सारे फिल्मों में देखा गया, लेकिन आप इसके साथ ही आप डायरेक्ट भी है और आप प्रोड्यूसर भी है, तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं? वक्त यार मैनेज करना पड़ता है उससे ज़्यादा तो आई थिंक मेरे को अभी मेरा क्रिकेट खेलने का टाइम और मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं आई थिंक काम तो हो जाता है, अभी ऐसा लगता है कि अपने लिए वक्त कभी निकालो, इन द सेंस दैट फिटनेस हो गई है एक एक्टर की ज़िंदगी में। जब मैं सारे जो वीडियोज़ देखता रहता हूँ एक्टर को, मतलब यार इनके पास टाइम कहाँ था, जाके हमेशा फुटबॉल खेलते रहते हैं और मुझे क्यों नहीं बुलाते लोग यार। तो फिर आप, जैसे कि अब तो आपको बहुत लोग जान रहे हैं और आप काफ़ी सालों से, जैसे कि 15 से 18 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं। नहीं नहीं 18 नहीं हुए, 15 होंगे अभी। हाँ 18 साल, हाँ 18 ईयर्स ऑफ एज स्टार्ट, 15 ईयर्स डन। शिट, नहीं मैं 29 का हूँ, आई एम ओनली 29। ये प्लस हो जाता है ना, सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ नहीं 12 ईयर्स ओनली। हाँ कैसे आप सोचे कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे डायरेक्टर करना है, मुझे प्रोड्यूसर करना, और जब कब आपको लगा कि नहीं मुझे अब एक्टिंग में जाना चाहिए? एक्टर तो मैं बचपन से ही था यार, मैं मम्मी ने मुझे रखा था लिटिल एक्टर्स क्लब में साउथ बॉम्बे में, एक रायल पदामसी, जो पर्ल पदामसी की जो बेटी है वो इंग्लिश थिएटर करती है, तो फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लर्न मी ईयर्स तो शुरू हो गया था बचपन से। पर फिर मुझे सिनेमा से बहुत इश्क था जनरली, और फिल्में बनाने का भी बहुत इश्क था मुझे, तो डॉक्यूमेंट्री बनाई BMM में, जो मैं कोर्स कर रहा था BMM, बैचलर ऑफ मजा मस्ती मास मीडिया, उसके अंदर हम लोग ने कई, आशुतोष शर्मा ने काफ़ी फिल्में बनाई, फिल्में बहुत सराही गई, और एक जो फिल्म थी डॉक्यूमेंट्री वो बहुत जगहों पे जाके अवार्ड्स जीते, तो वहाँ से हमको सींचा गया फिल्म इंडस्ट्री में। सुधीर मिश्रा जी ने और मधुर भंडारकर जी ने भी ऑफर दी थी, पर हमने सुधीर को चूज़ किया, वी लव हिम। तो आपने बहुत अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे अभी इसमें काला में देखे तो आपको नेगेटिव रोल दिया गया था, तो अपने एक्टिंग को, अपने रोल को आप किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं, क्या कुछ चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? मेरे लिए नॉर्मली हर रोल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अगर आप इमेजिन कीजिए आपको किसी और का जीवन जीना है, सो आपको उसके साथ एम्पथाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसकी कशमकश, उसकी तकलीफ है, उसकी तरबियत समझना बहुत ज़रूरी है। पर काला और भी मुश्किल था, क्योंकि जब आप कोई डार्क कैरेक्टर करते हो और वो आपसे इतना अलग है, इतना अलग है, तो उसके लिए मेहनत से ज़्यादा उसको समझना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी 2 महीने लगे, बिजॉय साहब ने बहुत मदद की मेरी, उनकी एक असिस्टेंट को मैंने लेके लगातार शूट करता गया, काम करता गया, और आई थिंक ठीक ठाक नतीजा निकला। अभी आपने सराहा तो ठीक ही किया होगा, आई लव यू फॉर दैट। लास्टली पूछना चाहेंगे कि और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या कुछ आने वाले हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, तभी तो आपको जाके काला इतनी बड़ी वेब सीरीज मिली। हाँ, और मैं थोड़ा चूजी भी हूँ, मैं कई चीज़ें करता नहीं हूँ, जैसे यू नो आई डोंट, कुछ अश्लील कंटेंट नहीं होता मुझसे, बहुत ज़्यादा डिशुम भी नहीं होता, सो आई ऑल्सो आई बिलीव इन मीनिंगफुल सिनेमा। हैविंग सेड दैट, मैंने 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, एक कॉप मैंने पुलिस का भी किया, नहीं तो एक आया है बीच में, आई एम कंसिडरिंग दैट, एक स्लाइस ऑफ लाइफ, आई थिंक काला के बाद थोड़ा एक रिलैक्सिंग करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सिंग इन द सेंस दैट स्लाइटली बेटर गाय, ग्रे शेड्स तो सभी के होते हैं, और अभी एक धर्मा के लिए कैमियो कर रहा हूँ, इट्स लाइक होम टू मी, सो अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों में शूटिंग करने वाला हूँ, सो आई वो तो जब भी बुलाएंगे मैं पहुँच जाऊँगा। तो जैसे कि आपने बोला आपको कॉप्स का रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको करना, तो उसके लिए आप कितने प्रिपेयर हो? वो जब होगा, अगर मैंने साइन की वो प्रोजेक्ट, तब मैं शुरू करूँगा प्रेप, अभी फ़िलहाल तो नहीं करूँगा, क्योंकि
होता है ना, अगर वो फिर नहीं हुआ तो फिर वापस दम दुख होगा। बट मैं बहुत मेहनत, अगर पुलिस या कोई भी ऐसा कोई क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ अ प्रोफेशन, आई हैव टू वर्क डबल डबल हार्ड वर्क इन दैट। या देखिए, आपने कंगना रनौत के साथ काम कर चुके हो, आप जी अक्षय कुमार, आप अक्षय सर के फुल फिल्म में भी काम कर चुके हो, शाहरुख खान सर के भी साथ काम कर चुके हो, अब आपको ऐसा क्या लगता है, नहीं मुझे इस आर्टिस्ट के साथ काम करना, मेरा ये फेवरेट है? यार, मुझे एक्चुअली दिलीप साहब के साथ काम करना था, वो मेरे नंबर वन फेवरेट एक्टर है, क्योंकि ही वॉज अ स्टार, वॉज एन एक्टर, उसके बाद आई फील अमित सर इज़ लाइक दैट। सो बच्चन साहब के साथ काम करना है, मेरे एक इटर्नल ड्रीम है टू शेयर स्क्रीन स्पेस, डायरेक्ट हिम, कुछ भी है। सो इफ मिस्टर बच्चन वॉचेज दिस सर, एनी थिंग विथ यू, आई विल बी सो हैप्पी। एनी मूवीज जो आपके डायरेक्टर में आने वाले, डायरेक्टरशिप में आने वाले, या फिर आप प्रोड्यूस कर रहे हो? हाँ, अभी मैं कर रहा हूँ, एक शो कर रहा हूँ काला के लिए, काला के लिए बोल रहा हूँ, हॉटस्टार के लिए है। सी हॉटस्टार इज ऑन, काला इज ऑन हॉटस्टार, सो सिनोनिमस, हॉटस्टार इज़ बिन वेरी काइंड टू अस। तो हॉटस्टार के साथ ये दूसरा शो कर रहे हैं हम, प्रोड्यूस डायरेक्ट वगैरह वगैरह, होपफुली आना चाहिए, इसी साल हॉटस्टार आएगा। के साथ आपका 100 भी आया था। दैट्स राइट। और हमारे बड़े बड़े एहसान रहे, आई थिंक वी आर मोर पीपल्स पीपल, और मैं मोहब्बत का मैं बड़ा विश्वास रखता हूँ। सो आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक गौरव बैनर्जी, उन्होंने हम पे बहुत फेथ रखा है। 100 के वक्त हमारे पास शोगा तो मुखर्जी थे तब हॉटस्टार में, थैंक यू टू हिम। अभी देयर वॉज निखिल माडोक हु वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिम वेन वी आर वर्किंग ऑन दिस करंट शो, आई लाइक रियली लाइक टू थैंक दैम, उनके बगैर ये हो नहीं पाता। एक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टर, तीनों में आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं? मैं तीनों को बहुत बेइंतहा एंजॉय करता हूँ, पर एक्टिंग मेरी प्रायोरिटी हमेशा इसलिए रहती है क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं दिखेंगे, राइट? आप डायरेक्शन में आप कभी सामने नहीं आते हो, प्रोडक्शन में आप कभी सामने नहीं आते हो, और एक्टिंग में जो थ्रिल होता है ना, जो हम टैलेंट सेट होता है, घुड़सवारी सीखो, ये सीखो, वो सीखो, गिटार सीखो, उसमें थोड़ा थ्रिल एंगल ज़्यादा होता है। लास्ट मैसेज और आप हीरोइन को रोमांस करते हो ऑफिशियली? नेक्स्ट कौन सी हीरोइन को आप रोमांस कर दो, कौन सी हीरोइन के साथ आप रोमांस करना पसंद करेंगे? वेल यार, मेरा बस चले तो मैं मेरी बीवी को ही कास्ट कर लूँ हर चीज़ में, बट वो शी इज़ वेरी नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली, शी इज़ नथिंग टू डू विद सिनेमा। तो मैं आई मीन आई आई कैन गिव यू माई विश लिस्ट, आई वुड लाइक टू वर्क विद ऑल द बेस्ट एक्टर्स इन द एक्ट्रेसेस इन द फिल्म इंडस्ट्री। अभी फिलहाल द वंस आई एम इमीडिएटली डूइंग मैं बता नहीं सकता यार, क्योंकि जब तक मैं अभी सेट पे नहीं जाता हूँ, मैं अपनी अम्मी को भी नहीं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फैंस को और मेरे दर्शकों को हमेशा वही कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, वी लव यू। हम जितने भी एक्टर्स और जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, हम आपके बगैर कुछ नहीं है। आई वुड रियली 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 थैंक यू फॉर इवन इवन लविंग मी वन बिट ऑफ वॉट यू डू, एंड थैंक आई मैं आपको मैं इतना आभारी हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में और आप इतना टाइम देते हो मुझे। आई लव यू, थैंक यू। Who's the, what's the girl's name? Who's Nalini? I don't know, she was with that thing.
I've told her about Uma after a long time. It's good, sweet. Because she won't have a turnaround time, like all the trials will get over only by like what you like 7 or 8, then like usko tak kam hi time hai fir wo. To pehle na ek kaam kare.